लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर तमाम शिकायतें, तमाम मुद्दे हैं। इसमें पहला मुद्दा यह है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीवा पाटिल साहब का नाम दिया जाए, और दूसरा जो अहम मुद्दा है कि प्रकल्पग्रस्त जो उस क्षेत्र के हैं, वो जो बाधित हो रहे हैं, उनका पुनर्वसन कैसे किया जाए, उनको उनका अधिकार, उनका हक जो है, उनका जो नुकसान भरपाई है वो कैसे दिया जाए। और इसको लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। सर्वपक्षीय कृति समिति अपने तरीके से आंदोलन चला रही है। अब 27 गांव प्रकल्प बाधित जो समिति है उसने भी नया आंदोलन शुरू किया है, और ये है कि एयरपोर्ट का काम बंद किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ 27 गांव प्रकल्प बाधित जो कृति समिति है उसके उपाध्यक्ष हैं गोवर्धन डाउर साहब। आपसे सीधे जानना चाहेंगे कि इस बार का जो आज जो परिषद आप लोग लिए हैं प्रकल्पग्रस्तों का, वो किस मुद्दे को लेकर है और क्या आपकी भूमिका है? जो हमारा पहला प्रश्न है, दीवा पाटिल साहब का नाम जो एयरपोर्ट हो रहा है उसको मिलना चाहिए, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं। और उसके बाद में जो हमारा इधर का प्रॉब्लमिक प्रश्न है, जो अभी सिडकों ने एयरपोर्ट के लिए जो भराव किया है, जो भराव के कारण जो 5 साल से हमारा गांव बाधित हो रहे हैं, उसमें पारगाव है, दापोले, डुंगे, वोला, ऐसे 5 गांव जो बाधित हो रहे हैं। अब उसके बाद 3 मीटर का भराव जो अदानी ग्रुप को काम दिया है, 3 मीटर का भराव उसके ऊपर होने वाला है, उसके बाद वो गांव की क्या हालत होने वाली है, उसका सिडकों ने हमको पहला डेमो दिखाना मांगता है, आप तुम्हारा घर में पानी जाएगा या नहीं जाएगा। 5 साल से तो जा रहा है, उधर कलेक्टर आ रहा है, पालक मंत्री आ रहा है, सब मंत्री आ रहे हैं, वो आ रहे क्या के लिए, वो खेकड़ा पकड़ने के लिए आ रहे हैं, उनको मालूम नहीं हो रहा है क्या? सब आ रहे हैं, प्रांत आ रहे हैं, सिडको वाले आ रहे हैं, लेकिन आकर हमको खाली आश्वासन दे रहे हैं, 50,000 भाड़ा दे रहे हैं बस। उसके बाद में बारिश का 4 महीने में वो खत्म हो जा रहा है, उसके बाद कोई उधर आता नहीं है। आपको लगता है कि सिडको कहीं ना कहीं प्रकल्पग्रस्तों की समस्याओं को, जो गंभीर समस्याएं हैं, उनको लेकर नज़रअंदाज कर रही है, नेगलेक्ट कर रही है लगातार, और इसमें जो पहले से जो सर्वपक्षीय कृति समिति है उसका समाधान दिला पाने में विफल रही है? नहीं, सिडको खास करके हमारे 100% हम कहते हैं वो हमको निर्लज कर रहे हैं, हमारा उसके दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। आपको मालूम ही है वो एयरपोर्ट का काम 1970 से हमारा जमीन लिया है, तब से ये 12.5% रहे हैं, 22.5% का है, सब प्रश्न अभी तक प्रलंबित है। जो कृति समिति ने ये किया है उसको जब दिल्ली में कपिल पाटिल साहब और जो उड्डयन मंत्री उसके साथ मीटिंग हुआ था, उसमें कुछ आश्वासन दिए थे तुम्हारे जो है वो तुम्हारे नाम के बारे में जो आश्वासन दे, वो लेकिन वो अभी तक कुछ हुआ नहीं। इसीलिए हमने 27 गांव ने तय किया है, अभी हमारा प्रश्न है खुद हम सुधारेंगे, कोई पॉलिटिक्स आए या ना आए उसकी हम चिंता नहीं करें, जो हमारे साथ आएगा उसके साथ हम जाएंगे, नहीं तो हम अकेले ही निकल पड़ेंगे। जो यहाँ के प्रकल्पग्रस्त हैं उनको जल्दी न्याय देना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकार ने नहीं दिया, अभी सरकार से आपको किस तरह की उम्मीद है? हमको सरकार से उम्मीद ही नहीं है। आपको मालूम है अभी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, उनका पिता पुत्र का कैसा चल रहा है आपको भी मालूम है। उनने खुद बाला साहब ठाकरे का नाम ये एयरपोर्ट को मिलना मांगता है, ऐसा उसने सिडको ने ठहराव पास किया, ऐसे बोल रहे हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि इधर की जमीन हमारी खुद की है, वो हमने खुद एयरपोर्ट के लिए दी है, हमें रहते हुए घर दिए, क्योंकि हमारे अन्नदाता जो है दीपा पाटिल है। आपको मालूम है हमारा अन्नदाता, हमारा जो पिताजी है जो दीपा पाटिल, उनका ही नाम मिलना मांगता है, दूसरे के पिताजी का नाम नहीं है, इधर होने नहीं देंगे। अब किस तरह की भूमिका आप लोगों की रहेगी, क्योंकि पिछली जो समिति थी उसने कहा था कि 16 अगस्त से काम बंद आंदोलन होगा, एक्चुअली हुआ नहीं। ऐसे में आपको लगता है कि सिडको और सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए और इन मुद्दों का समाधान करने के लिए कुछ नया तरीका अपनाने की जरूरत है? इसलिए तो हमने नया तरीका अपनाया। अभी 6 महीने से हम जो बैकफुट पे गए थे, बैकफुट के क्यों गए थे, तो वातावरण शांत हुआ था, जब शेर को शिकार करना पड़ता है ना तो 2 पीछे जाता है और वह हरिन को पकड़ना चाहता है, इसलिए हम 2 कदम पीछे गए थे, और हम उसको सिडको पे छलांग लगाने वाले हो और उसका शिकार करने वाला हूँ। जो 13 जनवरी को दीपा पाटिल साहब की जयंती है, उस दिन सर्वपक्षीय कृति समिति ने कुछ कार्यक्रम करने का नियोजन किया है, आपकी भूमिका किस तरह? अभी नए साल में नई उम्मीद लेके हम इधर आए हैं, नवी साल से हम लोगों को जन जागृति करने के लिए आज की पत्रकार परिषद है। अब हम खेड़े पाड़े में जाएंगे, गांव में जाएंगे, गली में जाएंगे, जो हमारे लोग हैं उनको समझाएंगे दीपा पाटिल ने हमारे लिए क्या किया और सिडको ने हमारे लिए क्या किया है, उसका फर्क जब लोगों को मालूम गिरेगा तब सिडको को और लोगों को मालूम गिरेगा ये संघर्ष अटल है। इसके लिए हम भूमिपुत्र का मेला हुआ जो है 13 तारीख को उनके जन्म दिन पर जो आयोजित किया है, इसीलिए और उसके बाद में हम निर्धार करते हैं कि 24 तारीख से जो सिडको का जो काम चल रहा है वो कुछ भी हो जाए, लेकिन सिडको का काम हम बंद करने से नहीं रुकेंगे।
पिछली समिति ने भी इसी तरह का ऐलान किया था कि सिडको जो एयरपोर्ट का निर्माण कार्य है वो रोकेंगे, तभी जाकर सही मायने में सिडको और सरकार झुकेगी और प्रकल्पग्रस्तों को न्याय दी। ये कुछ हुआ नहीं। अब आप लोग इसका निर्धार कर रहे हैं कि 24 जनवरी से काम बंद आंदोलन होगा, किस तरह की रणनीति होगी? तब हमने सर्वपक्षीय कृषि समिति के बारे में जो हमारा निर्णय वो लेते थे उनके ऊपर छोड़ा था। उनको जब दिल्ली में बुला के केंद्रीय उद्योग मंत्री ने कुछ आश्वासन दिए थे, वो पूरा हुआ नहीं हुआ उससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं, और मेरे को उससे बात भी नहीं करने के। हमारा अभी निर्धार हम कर रहे हैं, वो खुद हमारा निर्धार रहेगा। ये 27 गाँवों का निर्धार रहेगा, क्योंकि ये 27 गाँवों की जमीन गई है, उन पॉलिटिक्स लीडर की गई नहीं। इसलिए वो अभी हमारा निर्धार है कि कुछ भी कौन सी भी हालत में है एयरपोर्ट का काम हम बंद के रहेंगे। अब ऐसे में आपको लगता है कि अगर एयरपोर्ट का काम बंद होता है निर्माण कार्य, तो वाकई प्रकल्पग्रस्तों को जो उनका मुद्दा है उसका समाधान होगा और उनको न्याय मिल पाएगा? जब तक हमारे प्रकल्पग्रस्तों का जो मांगनी है वो पूरा नहीं होता और दीपापाली का नाम नहीं एयरपोर्ट को मिलता, तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं। इसीलिए हमारा खुद को जान देना पड़ा तो भी हम आगे पीछे नहीं हटूंगा। हम खुद को लिए जलाने के लिए तैयार, आत्मदहन करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। आप थे गोवर्धन डाउर और जब 27 गांव प्रकल्पग्रस्त जो कृति समिति है उसके आप उपाध्यक्ष हैं, और जिस तरह से प्रकल्पग्रस्तों ने, ये 27 गांव के प्रकल्पग्रस्तों ने जो तय किया है कि अब न्याय पाने के लिए सिडको का जो एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है उसको रोकना ही अंतिम विकल्प बचा है, और उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बाद सिडको और सरकार जागेगी और प्रकल्पग्रस्तों को उनका अधिकार उनका हक देने की कोशिश करेगी। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।